अस्सलाम वालेकुम। लवबर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद होंगे। आजकल गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जुलाई का महीना है, बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो मौसम ठीक होता है, लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन बहुत ज़्यादा हबस हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है। इस गर्मियों के मौसम में ज़रूरी है कि आप बर्ड्स को कोई ठंडी चीज़ डालें ताकि बर्ड जो हैं वो गर्मी से थोड़ी देर के लिए जो है छुटकारा पा सकें। गर्मी में जो चीज़ बहुत ही अच्छी है इनके लिए वो पुदीना है, जिसे आप मिंट भी कहते हैं इंग्लिश में। पुदीना जो होता है ना वो गर्मियों के मौसम में इनको ठंडक का एहसास दिलाता है। ग्रीन फूड्स तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हैं इनको देने, लेकिन इस गर्मी में जब आप इनको पुदीने का इस्तेमाल करवाएंगे ना तो आपके बर्ड जो हैं बहुत एक्टिव रहेंगे और गर्मी में जो उनकी हालत बुरी हुई हुई है आजकल, तो उससे उस गर्मी से उनको उनकी गर्मी काफ़ी हद तक जो है कम होगी। पुदीना जो होता है ना वो इनकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर तो आपके परिंदों को कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इनको पुदीने का इस्तेमाल करवाएं, इससे इनके सारे मैदे के अमराज वगैरह जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसको आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल करवाना है, इसको आपने हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा इस्तेमाल करवाना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर इनको ग्रीन मोशन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हफ्ते में आप वंस अ वीक रखें या दो दफ़ा डाल दें बस। इसके अलावा ये बैक्टीरिया और फंगस से भी इनको जो है प्रोटेक्शन देता है। अगर आपके बर्ड्स को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है या वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो आप पुदीने का इस्तेमाल कराएं, उससे इनको बहुत हद तक जो है इस इन्फेक्शन से ये छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके अलावा बर्ड्स की कुछ एलर्जीज़ हैं उसको भी जो है ये वो भी कम करता है, और इससे बहुत सी मेडिसिन बनती हैं, हर्बल मेडिसिन खसूसी तौर पर पुदीने से बनती हैं, जिसमें मैंथॉल वगैरह भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा इससे बनता है। तो ये जो है ना आपके बर्ड्स के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी है, और दूसरा ये गर्मियों में जो है ना इनको गर्मी भी इनकी बहुत हद तक कम करता है। तो चलें मैं आपको इनको डाल के दिखाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने शौक से खाते हैं और कितने खुश होते हैं इसको खा के। मैंने अभी इनको डाला ही है और ये बजीज सब नीचे आ गए हैं और इस पर टूट पड़े हैं। बहुत पसंदीदा इनका ये फूड है, इसको मैंने सॉफ्ट फूड वाली प्लेट के अंदर डाला है, तो मैंने इसको दाने के साथ मिक्स नहीं किया। आपने भी इसको दाने में मिक्स नहीं करना। ये इसको खाते भी हैं, साथ साथ इसके साथ नहाते भी हैं, अपने पर जो है ना इसके ऊपर टच करते हैं तो उससे भी ये ठंडक का इनको एहसास होता है, तो ये इससे डबल काम जो है वो लेते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स लव बर्ड भी नीचे आ गए हैं और इसको खा रहे हैं। इससे ये नेस्टिंग भी करते हैं, अगर ये इसकी अगर कुछ डंडियों की नेस्टिंग कर लेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पुदीने का इस्तेमाल और उसके फ़ायदे का आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।